किसने किया ये अत्याचार? गांव में फैला हाहाकार, हाहाकार हाहाकार, गांव में फैला हाहाकार। आप सुनाए एक मच्छर की कहानी, लंबी डंक पंख वाला प्राणी, लंबी डंक पंख वाला प्राणी। जुजू 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 मच्छर हूँ मैं, सबके घरों में शामिल हूँ मैं, मलेरिया फैलाना, डेंगू फैलाना, बस यही काम है मेरा, हा हा हा। अरे इस गांव में तो जगह जगह पानी जगह है, लोग द्वारों को साफ नहीं करते, ना मच्छरदानी लगाकर सोते हैं। यह कितनी सुंदर जगह है, मैं यहाँ पे अंडे भी दे सकती हूँ, लोग को बीमार भी कर सकती हूँ, जानते हो इसे क्या होगा? ये सब नशे हो सकते हैं। सर दर्द होगा, सर दर्द, ठंड लगेगी, ठंड जोरों की ठंड, बुखार होगा, बुखार, उल्टी होगी, बहुत ज्यादा उल्टी, पेट में दर्द होगा, पेट में दर्द, सरपंच जी क्या हुआ, क्या बात है? गांव वाले सब बीमार पड़ रहे हैं। क्या हो गया हमारे गांव वालों को? पता नहीं, चलिए चल के देखते हैं। खेला भी नहीं आता तुझे, नहीं काटा? हाँ मिल लो, सिलो सालो, आह कटा ना? हाँ मुझे भी मच्छर काटा। आरती जो से लव जुजू जुजू, अरे वाह, ये दोनों बच्चियां तो बिना कपड़े थी, बालू के पहने हुए हैं, और यहाँ पे गंदगी फैला हुआ है, और शाम के वक्त खा रहे हैं। मैं इन्हें अपना शिकार बनाऊंगी और इन सब को बीमार कर सकती हूँ। जुजू जुजू, हा 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 हा। खाना खाया तुमने? नहीं नहीं, वो पानी खुला है, मैं जरा ढक कर आती हूँ फिर खा लूंगी। अरे वो तो हम बाद में भी कर लेंगे ना, अभी ये ज्यादा जरूरी है कि तुम और हमारे होने वाले बच्चे के लिए तुम अच्छा से खाना खाओ। लो खाना खाओ। जुजू जुजू, हा हा हा, अरे इन लोग तो अपने, अरे इन लोग तो अपने खाने पीने पर ध्यान दे रहे, पर ढकने के लिए ध्यान नहीं दे रहे, लोग साफ सुथरा नहीं करते और पानी को जगह जगह जमा बनाए रखे हैं। मैं इन लोग को बीमार कर सकती हूँ, बच्चे को, माँ को, पिता को, एक निशान से तीन शिकार बन सकते हैं। जुजू जुजू, हा हा हा। अरे ये देखो, ये बर्तनों में और नालों में कितने पानी भरे हैं, हम कैसे करें ये साफ सफाई? हमारी तो उम्र हो गई है, मुझसे नहीं होती है साफ सफाई। जुजू जुजू, हा हा हा, अरे ये दोनों बूढ़ा बूढ़ी तो, ये दोनों बूढ़ा बूढ़ी तो साफ सफाई रखना चाहते हैं पर रखते नहीं हैं, लोग यहाँ पे गंदगी फैला रखे हैं। यह कितनी अच्छी जगह है, मैं यहाँ पे अंडे भी दे सकती हूँ और लोग को बीमार भी कर सकती हूँ। जुजू जुजू, हा हा हा।
सर्दी खांसी का लक्षण निकला। डॉक्टर साहब, मुझे तो ये सारे डेंगू और मलेरिया के लक्षण लगते हैं। सही कह रही हैं आप, हमें लगता है ये गांव वालों को मिलकर बचाना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या करना चाहिए। रात को सोते वक्त मच्छरदानी का उपयोग करें। पानी को हमेशा ढक कर रखें। शाम होते ही घर के सारे खिड़की और दरवाजे बंद कर दें। नालियों में पानी ज्यादा जमा न करके छोड़ें। मच्छर से बचने वाले क्रीम जैसे ओडोमास का यूज करें, उपयोग करें। हमेशा खाना को गर्म करके ही खाएं। रक्त जांच करने के बाद ही मलेरिया की दवा लें। हमेशा फुल बाजू पहना के तब बच्चों को बाहर भेजें खेलने के लिए।